सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सोनीपत जिले के राई कुंडली बड़ी नाथुपुर और अन्य जगहों पर नए औद्योगिक क्षेत्र बने और उद्योगों का विस्तार भी हुआ, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन पिछले 10 साल के भाजपा राज में पूरे प्रदेश के साथ साथ सोनीपत जिला और राई विधानसभा भी विकास की पटरी से उतर गया। आज वो दावे के साथ कह सकते हैं कि सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, जो वर्तमान में राई से भाजपा विधायक भी हैं, उनके पूरे कार्यकाल में राई विधानसभा में विकास के नाम पर एक नई ईंट भी नहीं लगी है। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि भाजपा राज में हरियाणा जहां बेरोजगारी में शीर्ष पर पहुंचा, वहीं पूरा सोनीपत जिला आज अपराधियों का गढ़ बन चुका है। हर रोज हत्या, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग की खबरों से अखबार भरे रहते हैं। अपराधियों द्वारा जिले के व्यापारियों को फिरौती की धमकी देना आम हो गया है। गोहाना में व्यापारियों की दुकानों पर दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। अब जनता को कांग्रेस पार्टी से ही आस है। वो सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद सोनीपत जिले को दोबारा विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा, नए उद्योग धंधे लगाने के लिए माहौल स्थापित किया जाएगा और अपराधियों का सफाया किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।